अभी अभी मुझे एक इत्तला मिली है कि एक वीडियो आया मुझे, मनोज कुठारी 47 इयर्स रेसिडेंट ऑफ निमोली अड्डा काचीगुड़ा हैदराबाद। मनोज कुठारी, इनकी वालिदा संपत बाई कोठारी और इनके भाई अनिल कोठारी को 18 जून के दिन ये मालूम हुआ कि ये लोग कोविड पॉजिटिव है और ये लोग जो है सोमाजीगुड़ा यशोदा सोमाजीगुड़ा हॉस्पिटल में एडमिट हो जाकर, ये लोग एडमिट होने के बाद में जो है कुछ दिन के बाद में ऑन 20th ये लोग एडमिट हुए और 28th के दिन डिस्चार्ज करे, यानी 28th के दिन इनको डिस्चार्ज कर दिए। तो इनकी पूरी फैमिली जो है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से इंश्योर्ड है, इंश्योरेंस है इनको। तो ये इंश्योरेंस कंपनी में और हॉस्पिटल अथॉरिटी में कुछ बिल का डिस्प्यूट है जिसकी वजह से मनोज कोठारी को 28 तारीख के दिन डिस्चार्ज करने के बावजूद इनको जो है फोर्सिबली रखा गया है हॉस्पिटल में पिछले 6 दिन से, ज़बरदस्ती तौर पर रूम नंबर 742 में इनको बंद करके रखा गया है इनको। तो ये बहुत ही ग्रेव क्राइम है कि किसी पेशेंट को ऐसा बंद करके रखना है, वो भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट को ज़बरदस्ती एक हॉस्पिटल में बंद करके रखना। अभी मैं जो है हमारे केटी रामा राव साहब, मिनिस्टर फॉर MNUD गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, और हमारे हेल्थ मिनिस्टर के इटला राजेंद्र साहब को और कमिश्नर ऑफ पुलिस से मैंने गुजारिश की है कि इमीडिएटली इसके अंदर इंटरवेन करते हुए मनोज कोठारी को रेस्क्यू करना चाहिए, इनको आज़ाद करना चाहिए। और ये तो बहुत कॉमन बात है कि हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ का और इंश्योरेंस कंपनी का डिस्प्यूट तो कॉमन बात है, ये कभी भी सेटल किया जा सकता है, लेकिन एक पेशेंट को ज़बरदस्ती बंद करके एक हॉस्पिटल में रखना ये बहुत बड़ा ग्रेव क्राइम है। आई रिक्वेस्ट द कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद टू इनके खिलाफ में एक्शन लेना चाहिए। ये झगड़े की असल बुनियाद, रोज़ाना कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स की शिकायतें आ रही हैं, कहीं पर डेड बॉडी नहीं दे रहे हैं, बिल्स के लिए किसी को भी 10 लाख 15 लाख 20 लाख से कोई बिल कम नहीं आ रही है यहाँ पर हैदराबाद में। और गवर्नमेंट जो है जियो इश्यू की थी ऑन 15 जून GORT नंबर 248, इसमें साफ कहा गया था कि चार्जेस फॉर रूटीन वार्ड आइसोलेशन ₹4,000, वार्ड आइसोलेशन के लिए ₹7,500, आइसोलेशन विथ वेंटिलेटर और आप आइसोलेशन विथ वेंटिलेटर विदाउट वेंटिलेटर ICU में अगर रखे तो, और चार्जेस फॉर ICU विथ वेंटिलेटर जो है ₹9,000, ये जियो में मेंशन किया गया था। कोई भी कॉरपोरेट हॉस्पिटल पिछले 15 दिन हुआ है जियो आके, इसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। हमारा मुतालिबा है कि गवर्नमेंट ये जियो किस लिए निकाली, क्या आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए निकाला गया है ये जियो कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स पे इमीडिएटली इसके ऊपर इंप्लीमेंट होना चाहिए। जो कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स इसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट उनके खिलाफ में एक्शन लेना चाहिए। और मनोज कुटारी के केस में यशोदा हॉस्पिटल के ऊपर कानूनी कार्रवाई करते हुए मनोज कोठारी को रिहा करना चाहिए और उनके वालदा और भाई की उनका सही इलाज होना चाहिए।